हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्टेडी अकेडमी स्वागत है। आज आपके लिए विद्युत विभाग भर्ती 2020 अंतिम मौका है। दोस्तों, मौके को बिल्कुल ना गवाएं, क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए एक दिन कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मिशन 13 मार्च को सफल बनाना है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचना है ताकि आपकी बात मीडिया तक पहुँचे और मीडिया के माध्यम से मंत्रियों तक पहुँचे और मंत्रियों से माध्यम तक मुख्यमंत्री तक ये बात पहुँचे। इसीलिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। जिन विद्यार्थियों ने आईटीआई कर रखी है, डिप्लोमा कर रखा है, बीटेक कर रखा है, वो विद्यार्थी बेरोजगार इधर से उधर भटक रहे हैं, तो वैसा ना हो। तो इसीलिए दोस्तों, मैंने खुद ने भी बीटेक कर रखी है, तो मैं आपको बता रहा हूं यहां पर ये जानकारी, मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं यहां पर जेएन की वैकेंसी, एएन की वैकेंसी, हेल्पर वन की वैकेंसी, सीए की वैकेंसी, ग्रुप डी, अन्य भर्तियां। और दोस्तों, ये ना सोचे कि सर आपने इंजीनियरिंग कर रखी है तो इसीलिए आप इस भर्ती के लिए जा रहे हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता दूं साफ साफ, मैंने सिविल में कर रखी है और मेरी भर्ती आ चुकी है। यदि मुझे तैयारी करनी होती तो मुझे तैयारी करनी है आईएएस की, ठीक है, और उसकी कर भी रहा हूं मैं, मेरा जो लक्ष्य है। पर मैं आप बेरोजगार जो भाई है, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई भी है, बहन भी है, बहुत सारे हैं, वो सारे बहुत सारे मेरे से बोलते हैं कि सर आप वीडियो बनाओ, आप आगे आओ ताकि हमें भी रास्ता मिले और हम भी तैयारी में जुट जाएं। तो आपका इंतज़ार बहुत हुआ, अब आगे इंतज़ार नहीं करना है आपको, इसलिए आपको कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 13 मार्च को आना है। और आपको मैं सारा यहाँ पर पता बता देता हूँ। मिशन 13 मार्च जेविनल ऑफिस लाल कोटी जयपुर, विधानसभा भवन के सामने है लाल कोटी जयपुर विद्युत भवन, वहाँ पर आ जाना है। सभी को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आ जाना है। तो आपको यहाँ पर देख सकते हो, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर है 8290372359। तो ये नंबर है, मैंने इसलिए वीडियो बनाया दोबारा से, क्योंकि विद्यार्थी बहुत सारे जो होली के चक्कर में भूल गए होंगे, उनको दोबारा से तरोताज़ा याद आ जाए और वो कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे, ताकि आपका जो धरना प्रदर्शन है वो तो नहीं करना है अपन को, अपन को ज्ञापन देना है। किसको देना है? जो चीफ पर्सनल ऑफिसर यानी कि CPO है और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि MD, दोनों को ज्ञापन देना है अपन को। दोनों को ज्ञापन दे करके अपन को मीडिया में, फर्स्ट इंडिया न्यूज में, जितने भी न्यूज वगैरह है उन सभी में अपन को निकलवानी है, और भास्कर पत्रिका में इनमें भी निकलवाएंगे अपन। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग वहां पर पहुंचेंगे, ताकि आपका जो भविष्य का जो आगे आने वाले जो भर्तियां हैं उनमें आपका सफल भविष्य नजर आए। और बहुत सारे विद्यार्थी चाहते हैं कि डिप्लोमा भी होना चाहिए, जैसे कि आप यहां पर देख रहे होंगे सिविल में डिप्लोमा वालों को भी लिया जा रहा है और यहां पर डिप्लोमा वालों को नहीं लिया जा रहा है, तो उनकी भी आवाज हम उठाना चाहते हैं। तो आप लोग भी आए ज्यादा से ज्यादा संख्या में, आपकी संख्या भी ज्यादा बल में होगी तो हम आपके आपकी आवाज़ भी उठाएंगे, ज्ञापन में आपकी बात भी रखेंगे, ये सारा हम करने की सोच रहे हैं। तो दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आना। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, वंदे मातरम।